छठ छठ एक त्योहार नहीं, एक भाव है सबके लिए। ये जब घर में होता है तो शादी सा माहौल रहता है, खुशियों से घर भर जाता है। और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। तो एक गीत है जो मेरी माँ गाती है और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत गीत है ये, तो उसको मैं गाना चाहूँगी। और वो कुछ यूँ है कि चार पहर राती जल थला से वीला, चार पहर हम जल थला से हीला, से हीला चरण तोहार हे छठी मैया, दर्शना दी हूँ नया पान जग तारन मैया, भेंट दी हूँ नया पान। तो छठ मैया कहती हैं मांग मांग तेवाई, तेवी का मतलब व्रत करने वाली, कवन फल मांगेलू, मांग मांग तेवाई कवन फल मांगेलू, मांग हो जो तोरा हृदय समाय, हो छठी मैया दर्शन दी हूँ नया पान, हो दीनानाथ दर्शन दी हूँ नया पान। तो वो कहती हैं कि तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तो कुछ इस तरह वो शुरू करती है। और लड़की भले ही लोग बोले पराया धन है, पर जो मांगने का पहला स्रोत है वो अपना मायका है। तो लड़की कहाँ से शुरू करती है सुनिएगा, कि नैहरा में मांगिला भाई रे भतीजवा, नैहरा में मांगिला भाई रे भतीजवा, अपना के सहन भंडार हो छठी मैया, दर्शन दी हूँ नया पान जग तारन मैया, भेंट दी हूँ नापान। तो मांगती है कि नैहरा में मांगिला भाई रे भतीजवा, और एक छोटी सी भतीजनिया कि भतीजिन जो मैं हूँ, जब मैं जैसे अपने मायके से कहीं कुल का दीपक बन गई हूँ, किसी दूसरे कुल में चली गई हूँ, वैसे एक भतीजी भी आए मेरी जो दूसरे कुल का दीपक बने, जो दूसरे कुल को रोशन करे, जो दोनों कुल को रोशन करे। तो मांगती है कुछ यूँ, फिर मांगती है कि सभी ये बैठना के ससुरे को मांगिला, सभी ये बैठना के ससुरे को मांगिला, मचिए बैठन केरा सास हे छठी मैया, दर्शन दी हूँ नया पान जग तारन मैया, भेंट दी हूँ नया पान। हर घर जो बड़े बुजुर्गों के बिना अधूरा है, तो मांगती है कि सास ससुर मुझे दीजिए, ससुर जो सभा की शोभा बढ़ाए, मेरे घर कुल खानदान, और माची पर बैठ के सास हमें जीवन के विस्तार सिखाए, लीडरशिप क्वालिटी सिखाए। तो इस तरह वो मांगती है और आगे बढ़ती है कि घोड़ा वा चढ़न के पुताए का मांगिला, घोड़ा वा चढ़न के पुताए का मांगिला, नूपुर सुंदर पुतो छठी मैया, गुणवान सुंदर पुतो छठी मैया, दर्शन दी हूँ नापन। और माँ से कहती है कि घोड़ा चढ़ने के लिए एक ऐसा पुत्र मुझे दीजिए जो गुणवान हो, गुण का आगर हो, और एक किसी उसी की जोड़ा लगाइए जो बहू भी वैसी हो, उसके लायक की हो। आगे बढ़िए, बेटी के बिना संसार अधूरा है, तो माँ कहती है सुपली खेलाना के बेटी एक मांगिला, रोनू की झुनुकी के बेटी एक मांगिला, पढ़ल पंडित दामाद छठी मैया, दर्शन दी हूँ नापन जग तारन मैया, भेंट दी हूँ नापन। कहती है कि एक बेटी दीजिए रुनु की चुनु की, यानी छोटी प्यारी लाडली, घर की जो लाडली हो वैसे मुझे पुत्री दीजिए,
घर घर खेलने वाली, इस दुनिया को समझने वाली पुत्री मुझे दीजिए और उसका जोड़ा लगाइए एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के साथ। और वैसा दामाद की वो कामना करती है, आगे बढ़ती है। तसवा खिलौना के भासुरे कमांगीला, तसवा खिलौना के भासुरे कमांगीला, उनके सरीखे गोतिन छठ मैया दर्शन दीहुनापन, जग तारन मैया भेंट दीहुनापन। वो अपने भसुर को अपने बड़े भाई समझती है और ससुराल में उनकी कामना करती है और उनका जोड़ा लगाने की विनती करती है कि वैसे ही उनका जोड़ा लगाइए और गोतिन दीती। सस रामे मांगीला गाय रे भैंसिया, ससुरा में मांगीला गाय रे भैंसिया, उनके सरीखे चरवाह छठी मैया दर्शन दीहुनापन, उनके सरीखे रखवार छठी मैया। हर घर ये सीख देता है कि बिना पशु पालन के दुनिया नहीं चलती है। पशु का पालन करना संसार का जैसे नियम था, उसी तरह बिहार झारखंड में गाय भैंस एक बहुत ही आम बात थी, लोग रखते थे तो उनको मांगते हैं और उनके सरीखे रखवार, उनको उनकी रक्षा करने के लिए रखवार हम रख सके ऐसी हमें मतलब दीजिएगा, संपत्ति धन दीजिएगा जो उनकी रक्षा कर सके और हम इसमें सक्षम हों। और आगे बढ़ती है कि अपना के मांगीला अवध सिन्हो रवा, अपना के मांगीला अवध सिन्हो रवा, जन्म जन्म आई बात हो दीनानाथ हो छठी मैया दर्शन दीहुनापन, जग तारन मैया भेंट दीहुनापन। तो कहती है कि मेरे लिए बस मुझे अवध सिनोरा जीवन जन्म आहिवाद, कि मुझे जिंदगी भर सुहागन रखिए और जिंदगी भर उनके साथ चलने की शक्ति दीजिए, उनके साथ में और मेरा साथ बनाए रखिए, यही मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मुझे दर्शन दीजिए छठी माता। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, जय छठी मैया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये गीत पसंद आया होगा और छठ का मतलब और स्रोत पता चला होगा कि छठ जो पूजा है वो भावना है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि उन सभी के बियॉन्ड सा है। धन्यवाद आपका, जरूर देखिएगा इस वीडियो को।